हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और ये बात आपको पता होना जरूरी है क्योंकि मैं ही आपको हमारे इस चैनल पर हर चीज से रिलेटेड रीसेंट अपडेट्स देने वाली हूं, चाहे फिर वो हेल्थ हो, एडुकेशन हो, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स या फिर और कुछ भी। वेल, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, पता होना जरूरी है। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बिग बॉस के प्रीवियस एपिसोड का रिकैप एंड रिव्यू। प्लीज स्टे ट्यून्ड। बिग बॉस 2 का दूसरा एपिसोड काफी मिला जुला रहा, पेस काफी अच्छा है। रिजेक्टेड कंटेस्टेंट को घर के अंदर एंट्री मिली है, ऑल्दो उनको अभी गार्डन एरिया में रहने के लिए कहा गया है। पहले ही दिन हमें घर में सारे फ्लेवर्स देखने को मिल गए, फिर चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, मस्ती हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो या प्यार या दोस्ती हो। बट आई मस्ट टेल यू, इन सभी फ्लेवर्स के बीच में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट मुझे राधे राधे माँ की जय हो, सामने आओ, पैर छू सकता हूँ, आशीर्वाद देना। राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, जहाँ उनका घर के अंदर आना, सभी को फ्री का सो कॉल्ड प्रवचन देना और फिर उनका प्रसाद देना टू हर फेवरेट्स। ये सब जो चल रहा था वो बहुत ज्यादा ही एंटरटेनिंग सा था। उसके बाद स्पेशली आई लव द कन्वर्सेशन बिटवीन राधे माँ एंड सिद्धार्थ शुक्ला। ओ माई गॉड, दैट वॉज अ एंटरटेनिंग पार्ट। उस दौरान मैं टेलीविजन स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी, दैट वॉज सो एंटरटेनिंग। सेकेंडली, तूफानी सीनियर्स ने भी आते ही अपना जिम्मा बखूबी संभाल लिया है। सिद्धार्थ शुक्ला का सेंस ऑफ ह्यूमर ने मेरा दिल जीत लिया है। साथ ही हीना खान ने भी बहुत स्मार्टली सभी को अपने अपने टास्क देना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने इमोशनली भी सभी के साथ जुड़ना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। आई गेस उनकी ये बॉन्डिंग सभी के साथ बहुत अच्छी बनती जा रही है और ये आगे भी मेरे ख्याल से रहेगी। खाना बनाओगी रात का? नहीं, ऑलरेडी प्लान है उसका। क्या यार, पहले ही दिन शुरू हुआ घर वालों के बीच तनाव। तुम बर्तन नहीं करना चाहती, तुम्हारा नाखून खराब हो जाएगा, तो ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा बाबा। इस घर में मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही है मिस थंबोली, जो बिना किसी बात के लोगों को लड़ाई झगड़ों में एंगेज कर रही है, इन्वॉल्व भी कर रही है। बेचारे शहजाद के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई है, बट यू नेवर नो, दैट्स हाउ शी इज एंड मे बी यही उनका गेम में रहने का प्लान है और ये उनकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। तो सेकेंड एपिसोड अबव एवरेज लगा है। अभी कल से टास्क स्टार्ट हो जाने वाले हैं और टास्क को लेकर तूफानी सीनियर्स काफी स्ट्रिक्ट टाइम देने वाले हैं और टफ टाइम देने वाले। अगर आप अंदर जाते हैं आपको एक हफ्ते के लिए यही आउटफिट में बिताना है, एक हफ्ते तक बिकिनी का टॉप पहन के रखना। घर में एंट्री पाने की खातिर किस हद तक बर्दाश्त करेंगे सीनियर्स की हुकूमत? बिग बॉस ने बोला टास्क में जीतो, ये तो कभी नहीं बोला है कि कपड़ों में। अरे तो टास्क हम देंगे, वो भी तो बोला है। तो मैं अंदर क्यों हूँ? इफ यू से नो यू आर आउट। और जूनियर्स को एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में शायद सीनियर्स के बीच में भी झगड़े देखने को मिल सकते हैं। आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एंड प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू पता होना जरूरी है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में ऐसे ही कुछ चटपटी खबरों के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।